मुझे प्यार नहीं हुआ इससे, जैसा होना चाहिए था। जैसा सोचा था वैसा समय नहीं बिताया, जैसा समझा था वैसा महसूस नहीं कर पाया, क्योंकि पहले अलग था। इसकी हर अदा स्पेशल लगती थी, हर ऑफेंसिव जोक एक मास्टरपीस लगता था। साथ में बिताए गए हर ख्याल में आप खुद को देखते थे और महसूस कर पाते थे कि यार एक्चुअली एक्चुअली में कुछ फील हो रहा है जो कि बाकियों के साथ नहीं होता, यह अलग है। हम इतने अनफिल्टर्ड और रियल थे इसके साथ कि यहाँ लगता था कि मेरी फ्रीक को मैच कर रहा है, एंड कभी भी लगा नहीं कि कुछ ख़राब हो सकता है। उस हर हफ्ते 1 घंटे को हम समय निकाल ही लिया करते थे। किसी भी तरीके से किसी को कोई बात समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वो बस हो जाता था। बट द बॉयज सीजन 4 कुछ अलग ही महसूस होता है, क्योंकि वो नहीं हुआ जो होना चाहिए था, जो हम हमेशा से महसूस करते आ रहे थे। अब आई नो कि मैं काफी वेगली बोल रहा हूँ, बट वीडियो थोड़ी सी लंबी है तो डिटेल में हम जरूर से जाएंगे। जिसमें से पर्सनली मेरे मायनों में द बॉयज सीजन 3 वॉज पीक, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। सीजन 4 उस हाई को टच भी नहीं कर पाता। बाकी सीजन 4 पे विचार विमर्श करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि द बॉयज सीजन 4 है क्या। यहाँ भाई कहानी शुरू ऐसे होती है कि बॉयज को CIA टास्क देती है विक्टोरिया न्यूमन को असैसिनेट करने के लिए, बट उसकी बेटी को वो डिस्कवर कर लेते हैं जो कि है जोई। रायन को पता चलता है कि बुचर के पास बस जीने के लिए 6 महीने बचे हुए हैं। वहीं बुचर का पुराना दोस्त जो क्रेसलर उसे रिक्रूट करता है सूप से लड़ने के लिए। होमलैंडर के भाई झड़ते हुए बाल, उसके एजिंग को भाई वो अपनी नोटिस करता है, और अपने बाकी सारे सूप फ्रेंड पे भी भाई फ्रस्ट्रेट होता है, जिसकी वजह से वो सिस्टर सेज को रिक्रूट करता है जो कि स्मार्टेस्ट पर्सन ऑन दी प्लेनेट है। वो उसको 7 को ज्वाइन कराता है, जहां साथ में वो वॉयलेंस और पब्लिक मैनिपुलेशन को भाई और भी एक्सट्रीम लेवल तक लेके जाते हैं, इंक्लूडिंग स्टार लाइटर्स को मर्डर्स में भी फ्रेम करते हैं। जिसके पीछे द बुचर को द बॉयज से निकाल दिया जाता है, मगर वो भाई सीक्रेटली काम कर ही रहा है। उसके लाइफ का और पर्पस ही क्या है। उसे कई परेशानियां भी भाई सामना करनी पड़ती हैं, इंक्लूडिंग सेज, फायर क्रैकर और बाकी सारे सूप्स के साथ कन्फ्रंटेशन। वहीं दूसरी तरफ होमलैंडर सेज के साथ मिलकर रायन को पब्लिकली हीरो बनाने में भाई कोशिश कर रहे होते हैं, पर वो डिजास्ट्रस रहता है। जिसके पीछे बुचर और टीम को भाई पर्सनल स्ट्रगल भी चल रही होती है। वो स्टार लाइटर्स के खिलाफ एविडेंस ढूंढ रहे होते हैं अपना नाम क्लियर करने के लिए। फिर आखिरी के कुछ 2 या 3 एपिसोड्स में द बॉयज को वो वायरस मिलता है जो भाई सूप्स को मार सकता है, पर उसे हासिल करने से पहले उन्हें म्यूटेटेड एनिमल्स और धोखे मिलते हैं। होमलैंडर द 7 को गॉड्स की तरह दर्जा दे देता है, जिसपे से वॉयलेंस और बढ़ा देता है। एंड फाइनली एट्रेन को अच्छा वाला उसका रिडेम्पशन होता है, उसके काफी अच्छे वाले कोजी मूवमेंट्स हैं, जिसके फाइनल में रायन मैलरी को गलती से मार देता है, क्योंकि होमलैंडर का सच जानने के बाद टेंशन को ज्यादा ही बढ़ जाती है। वहीं दी होमलैंडर वॉट और 7 के हर एक इंसान को मारने का ऑर्डर देता है जो उसके पीछे डैमेजिंग इन्फॉर्मेशन रखते हैं। वहीं भाई बुचर ने रायन की हरकतें देखने के बाद फाइनली अपनी डार्क साइड को एम्ब्रेस कर लिया, और जब न्यूमन को नहीं मरना था वो तब मारी जाती है बुचर के थ्रू, वो भी भाई बुचर के म्यूटेटेड वी इंड्यूस्ड सुपर ट्यूमर से। सीजन के एंड में देश में मार्शल लॉ घोषित हो जाता है, जहां होमलैंडर की आर्मी ऑफ सूप्स कंट्रोल कर लेती है व्हाइट हाउस पे, एंड द बॉयज एक्सेप्ट एनी और किमी को वॉट के थ्रू भाई कैप्चर कर लिए जाते हैं। आखिर के मिड क्रेडिट सीन में हमें होमलैंडर को सोल्जर बॉय कैप्टिव देखने को मिलता है, जिससे फ्यूचर और भी ज्यादा बैडएस सेट हो जाता है, क्योंकि ये उसका बाप है और यही बंदा है जो उसे मार सकता है। जहां मैं सबसे पहले शो के रिलीज स्ट्रक्चर से शुरू करना चाहूंगा कि इन्होंने टोटल 8 एपिसोड में से पहले के 3 एपिसोड प्रीमियर में ड्रॉप किए हुए थे, जिसके बाद अगले 5 हफ्ते आप शो को भाई डेवलप होते हुए देख रहे होते हो, जिसके आखिरी के 2 ही एपिसोड में सही मायनों में सॉस है, जहां पे ये कह सकते हो कि सीजन तुम्हारे जो पूरे मील को प्रेजेंट करता है उसमें ग्रेवी तो बहुत सारी है, पर जब असली माल की बारी आती है तो मीट बहुत थोड़ा सा है, जिसकी वजह से खालीपन महसूस होता है। आपको लगता है कि यार मैंने पूरा एंजॉय नहीं किया, मतलब कि आप कितना ही रियल लाइफ की पैरोडी करके दिखाओगे, कितना ही दूसरों के मजे ले सकते हो, जहां पे काफी फिलर भी फील होता है कि यार हाँ मान लिए लोग हरामी होते हैं, मान लिए कि भाई यहाँ फेटिशस होते हैं, लोग बहुत गंदे तरीके से नीच हो जाते हैं, पर उसे इस तरीके से दिखाना थोड़ा सा एक्सप्लॉइटिव चला जाता है कि आप जरूरत से ज्यादा कर रहे हो, आपके पास बहुत आइडियाज नहीं है और आप शो के बीच में गोल गोल घूम रहे हो। एंड यही चीज उन्होंने बाकी कैरेक्टर्स के साथ भी की है, जस्ट लाइक फ्रेंची के कैरेक्टर आग के साथ भी क्या हुआ कि किमको से अलग होने के बाद बंदा अपनी कॉन्शियसनेस में वापस आ जाता है, क्योंकि प्यार में मर्द कमजोर हो जाते हैं और औरतें और बोल्ड हो जाती हैं। तो भाई फ्रेंची बस पूरे गिल्ट ट्रिप में चला जाता है, एंड इवेंचुअली सब एंड में वैसा ही होता है जैसा होना चाहिए था, जो कि देख के अच्छा लगता है बट बहुत मीनिंगफुल फील नहीं होता, क्योंकि जहां पे भाई टाइम देना चाहिए था आप फेटिशेस और शॉक वैल्यू पे लोगों को एंटरटेन कर रहे थे, जिसमें से यूई तो बस इसमें ट्रॉमेटाइज ही हुआ जा रहा है, इमोशनली खुद को हैंडल नहीं कर पा रहा है, एंड नेक्स्ट मिनट में ही ऐसे चेंज हो जाता है कि कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपने उसे विक्टिम ब्लेम की कैटेगरी में डाल दिया, एंड फिर आप वहां पे एक्सप्लोर नहीं करते क्योंकि नेक्स्ट शॉट में किसकी गांड में कहां पे सुई डालनी है वो सीन लगाओ, ये चीज चल रही होती है। एंड इसी बात पे कहूंगा कि सीजन 3 काफी कंसिस्टेंट, मिस्टीरियस और रिस्पॉन्सिबल फील
होता है थ्रू आउट सीजन, क्योंकि जैसा स्टोरी वहां पे होना चाहिए था वो कॉन्स्टेंटली खुद को अनफोल्ड कर रही होती है, बट दिस टाइम इट फील्स लाइक कि वे उतना सीरियस नहीं है, क्योंकि जनवी के एंड में बुचर को भाई वायरस मिल जाता है, वो लिटरली लेकर जा रहा होता है, एंड यहाँ पे क्या ही बकचोदिया चल रही है वो उसे कंसिडर ही नहीं करते। अब देखो भाई कमियों पे भी पूरा खोने की जरूरत नहीं है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि शो बेस्ट ऑफ द बेस्ट था, पर ऐसा भी नहीं था कि स्ट्रेट अप बुरा ही से मान लो, कह सकते हो कि शो की सेविंग ग्रेस आखिरी के 3 एपिसोड्स ही है, क्योंकि ज्यादातर प्लॉट डेवलपमेंट वहीं पे हुआ है। ऐसी बात भी नहीं है कि वेगली निकल गया एंड, इट वाज अ ग्रेट एंडिंग जिससे भाई फ्यूचर काफी टेरिफाइंग सेट होता है। होमलैंडर ने खुद के गॉड्स की तरह एक्ट कराना शुरू कर दिया है जिससे वॉयलेंस और भाई थ्रेट और बढ़ जाता है, देश में कानून बदलने की तैयारी चल रही है, एंड सिर्फ सूप्स को डोमिनेटिंगली अधिकार मिले और इंसान सिर्फ तो भाई सेकंड क्लास सिटीजन की तरह प्रेजेंट होने की भाई वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम गॉड्स की तरह प्रेजेंट हो। हमें एट्रेन का पूरा रिडेम्पशन आर्क बहुत पसंद आया कि कैसे वो छोटे छोटे मोमेंट्स उसके लाइफ में उसे चेंज करते हैं, एंड वो बिल्डअप करने के बाद अब इसके मरने पे काफी तकलीफ होगी। एंड ये भी मैं कहूंगा कि अगर इस सीजन में अगर कोई कैरेक्टर मुझे बहुत ही ज्यादा इंप्रेस किया है तो वो है सिस्टर सेज का कैरेक्टर, द स्मार्टेस्ट पर्सन ऑन द प्लैनेट, जहां पे भाई वो इतनी स्मार्ट है कि वो जानती है कि इन सबको बचाने का कोई मतलब नहीं बनता। फाइनली भाई उसे अपनी पावर्स का डोपामिन तब हिट होता है एंड में कि जब उसे असली प्लेजर का एहसास होता है कि वो अपनी पोटेंशियल कैसे जी सकती है। इट्स इवन बेटर देन हैविंग सेक्स, इट्स इवन बेटर देन गोइंग डम और हाई। वो फील कर पाना कि भाई मैं क्या कर सकती हूं, वो अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होता है, वो अलग डोपामिन है कि आप एक इंसान को कल्पना करके दिखाओ कि वो पा क्या सकता है, पर वहीं आप एक इंसान को वो करके दिखाओ कि वो ले क्या सकता है, वो अलग ही बदल देता है आपको पूरी तरीके से। आप एक प्रेडेटरी माइंडसेट में चले जाते हो कि अब तो मुझे ये चीज चाहिए ही चाहिए और चाहिए। वहीं भाई उसके बीच बीच में उन्होंने डीप और नोआर का अलग कैरेक्टर आर्क एस्टैब्लिश किया हुआ है कि भाई वो समाज के उस तरीके के लोगों की तरह है जिन्हें लगता तो है कि भाई मैं हायर पोजिशन पे हूं तो भाई मैं MVP एनर्जी रखता हूं, चेंज हो चुका हूं, अब तो कम बैक होगा, पर असल में वो समय के साथ बदलते नहीं है बल्कि और बेंड हो जाते हैं। उनमें पूरी कुवत होने के बावजूद भी वो बस चाहते हैं कि कोई रास्ता दिखा दे, कोई हाथ पकड़ के बता दे, कोई चीजें दिला दे कि भाई मुझे कुछ करना ज्यादा ना पड़े। एंड यही चीज मुझे डीप में काफी पसंद आई कि वो समाज के उन मर्द और औरतों को दर्शाता है कि जिनका कुछ नहीं हो सकता, उनका बस इस्तेमाल किया जा सकता है और वो खुश है उस तरीके से। वही भाई पुराना नोआर मुझे काफी अच्छा था, उसमें एक अलग कैरेक्टर था। वही भाई ये वाला नोआर चेंज हो जाता है, एक अपनी लीड ले लेता, कैरेक्टर बिल्ड कर लेता, मगर वो भी गलत संगत में आगे बेंड हो गया एंड वो एक अलग ही स्टोरी दिखाता है अपनी सोसाइटी की। खैर ओवरऑल द बॉयज सीजन 4 अच्छा है, बट अपने पुराने के कंपैरिजन में काफी अंडरवेलमिंग है, जिसमें मेरी कोई एक्शन की बैडासरी की कोई कंप्लेंट्स नहीं है। अब हो जाता तो अच्छी बात होती, नहीं भी हुआ तो कोई कंप्लेन नहीं। बाकी भाई थ्रू आउट 8 एपिसोड्स सब में ऐसा लगता है कि कोई मीनिंगफुल तरीके से स्टोरी खुद को डेवलप नहीं कर रही है, जहां पे मैं बोलूंगा कि शो के आखिरी 10 मिनट अपने एक अलग एपिसोड हो सकते थे, जहां पे अलग इन्फिनिटी वॉर लेवल का एक ठहराव दिया जा सकता था कि व्हाट द फक वाले मोमेंट्स बिल्ड होते ही चले जाते कि अब बर्बाद कैसे हो रहा है सब कुछ। खैर अब जो सो हुआ ये फिर भी बहुत ही खतरनाक सेटअप था अपने एंड गेम लेवल आने वाले शिट के लिए कि भाई अपना सोल्जर बॉय का दिख जाना, एनी को नर्फ करके उसे वापस ले आना, और किमिको की वॉइस वापस आना, जेनवी वाले बैड गाइज का भाई इसमें दिखाना, और भाई कॉमिक बुक की तरह होमलैंडर का व्हाइट हाउस और बाकी सारे सभ्यताओं पे भाई अपना कब्जे को भाई इंडिकेशन देना। इट एस्टैब्लिशेस इटसेल्फ एनफ कि भाई अब तो दंगल होने वाला है, एंड वो फीलिंग कि आने वाले एपिसोड में काफी बैड एस चीजें होने वाली है, वो फीलिंग मुझे अंदर महसूस करके काफी अच्छा लगता है। इट्स लाइक कि भाई अंत भला तो सब भला। बाकी तुम अपने ओपिनियंस बताओ कि तुम्हें सीजन 4 कैसा लगा द बॉयज का, एंड कि सीजन 5 के लिए तुम्हारे क्या ओपिनियंस हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, अपने ओपिनियंस में कमेंट जरूर बताना। इन्हीं सारी बातों के साथ साथ मैंने स्त्री 2 के ट्रेलर पर भी बात की है, जिसके लिए आप मेरी वाली वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना, तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। पर तब तक के लिए देखते रहिए।